या फ्रांस के राष्ट्रपति थे टेररिस्ट का निशाना। पूरी दुनिया में फैशन नगरी के नाम से प्रख्यात पेरिस शहर उस वक्त बुरी तरह से दहल गया जब एक के बाद एक 7 शक्तिशाली बम धमाकों की आवाज फ्रांस में गूंज उठी। बताया जा रहा है कि बम धमाकों के साथ ही फुटबॉल स्टेडियम के बाहर आतंकियों की ओर से अंधाधुन फायरिंग की गई, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। सूत्रों की मानिए तो यह आंकड़ा 500 के पार होने की भी आशंका जताई जा रही है। सबसे ज्यादा हैरतअंगेज बात तो यह है कि स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी का फुटबॉल मैच खेला जा रहा था और वहां पर मौजूद थे खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांदे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ISIS के निशाने पर थे? हालांकि इस हमले की मोडस देखी जाए तो ये लगभग मुंबई के 26/11 के हमले की तरह है। इस बात की पुष्टि की है विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निगम ने। कल पेरिस में जो रात का बम ब्लास्ट का और जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, उससे मुझे जो मैंने मुंबई में 26 दिसंबर को आतंकी हमला चलाया था उसकी याद आ रही है, क्योंकि अगर दोनों टेरर अटैक अगर हम कंपेयर करें तो एक बात सिमिलर है। और पहली बात जो सिमिलर है कि इनोसेंट पीपल को टारगेट करना, दूसरी बात जब अटैक के वक्त कुछ ऐसा कहना जिसके ताजुब एक भावना और एक घिनौना काम का मोटिव उसे स्पष्ट होता है। गुड इंडिया अब तक के लिए।